नमस्कार, मैं हूं देवांजी मोइत्रा। जम्मू कश्मीर के पुलवामा में हुए आतंकी हमले का जख्म अभी भरा भी नहीं था कि सोमवार को आतंकियों के साथ हुई मुठभेड़ में 4 और जवान शहीद हो गए। पुलवामा जिले के पिंगलिना में हुई मुठभेड़ में जवानों ने 2 आतंकवादियों को भी ढेर कर दिया। सीमा पर लगातार जारी तनाव और गोलाबारी के बीच पूरा विपक्ष इस मुद्दे पर एकजुट है, तो वही कांग्रेस भी सरकार के साथ खड़ी नजर आ रही है। पूर्व सांसद और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता प्रमोद तिवारी ने पुलवामा में हो रही घटनाओं पर कहा कि कांग्रेस पार्टी सेना और शहीद जवानों के परिवार के साथ है। की घटना हुई, उसके बाद लगातार घटनाएं हो रही है, क्या लगता है आपको कि किस तरह के कदम की जरूरत है भारत को? आज हमने 4 और बहादुर राष्ट्रीय राइफल के मेजर रैंक के अफसर सहित 4 सैनिकों को खो दिया। अभी जो हमारे सीआरपीएफ के 40-41 जवान मारे गए थे, शहादत दी थी जिन्होंने, देश के लिए कुर्बानी दी थी जिन्होंने, उनकी चिता की राख भी ठंडी नहीं हुई थी कि ये बलिदान हमें और देना पड़ा। कांग्रेस पार्टी, हम सब देश की सेनाओं के साथ हैं, उनकी शहादत को प्रणाम करते हैं, श्रद्धांजलि देते हैं और परिवारजनों के साथ संवेदना व्यक्त करते हैं। अभी पूरी रिपोर्ट नहीं आई है, आ जाने के बाद देखेंगे कौन आतंकवादी को इन्होंने न्यूट्रलाइज किया है, मारा है। पर मैं इतना जरूर कहना चाहता हूँ, आज देश का बच्चा बच्चा, देश का हर नागरिक और हम अपनी प्रतिबद्धता दोहराते हैं कि भारत के सैनिक आतंकवादियों के खिलाफ जो मजबूत कदम उठा रहे हैं, उसके लिए हम सेना के साथ हैं। इन 4 जवानों का की शहादत हमारे लिए बड़ी क्षति है। प्रमोद तिवारी ने कश्मीर में जनमत संग्रह कराने की बात करने वाले कमल हासन को भी मुंह तोड़ जवाब दिया। कमल हासन के बयान पर पलटवार करते हुए प्रमोद तिवारी बोले, कश्मीर भारत का अविभाज्य अंग है, उसका जर्रा जर्रा एक एक इंच हिंदुस्तान का है। ऐसे हालात में जनमत संग्रह की बात करना दुखद है। सर, कमल हासन का एक बयान आया है, उस पर कांग्रेस यानी आपकी क्या प्रतिक्रिया? मैं इस बयान को गलत समय पर, जब अभी चिताओं की राख भी ठंडी नहीं हुई है, हमारे अमर शहीदों की जिन्होंने पुलवामा में अपना सर्वोच्च बलिदान दिया है, मैं एक बात कमल हासन साहब को साफ कह देना चाहता हूं कि इस देश का बच्चा बच्चा, संविधान और पार्लियामेंट ने कई बार स्पष्ट कर दिया है कि कश्मीर भारत का अविभाज्य अंग है, उसका जर्रा जर्रा एक एक इंच हिंदुस्तान का है। अब आपको सूझ रही है जनमत संग्रह की? अरे, जनमत संग्रह तो बहुत हो चुके हैं। कितने आम चुनाव हुए विधानसभा के, कितने चुनाव हुए लोकसभा के, भारत के संविधान के अंतर्गत, और वहां के लोगों ने हमेशा भारत की पार्लियामेंट के लिए वोट दिया है, भारत के संविधान के अंतर्गत जम्मू कश्मीर विधानसभा के लिए वोट दिया है। ऐसे हालात में जनमत संग्रह की बात करना, मैं कहूंगा शर्मनाक है, दुखद है, दुर्भाग्यपूर्ण। तमाम मुद्दों पर बोल रहे प्रमोद तिवारी बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह के बयान पर भी पलटवार करना नहीं भूले। आपको बता दें कि हाल ही में शाह ने बयान दिया था कि हम असम को कश्मीर नहीं बनने देंगे। शाह के बयान पर प्रमोद तिवारी ने आरोप लगाया कि शाह असम में लोगों की भावनाओं से खेल रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई, हम एनआरसी लाए और घुसपैठ को भी रोकने का काम किया, हम असम को कश्मीर नहीं बनने देंगे। ये हमारा कमिटमेंट है, असम के अंदर से चाहे एक एनआरसी की प्रक्रिया हो, बार बार करनी पड़े, हम एनआरसी के माध्यम से असम के अंदर से एक एक घुसपैठियों को चुन चुन कर निकालने के लिए भारतीय जनता पार्टी कटिबद्ध। ये बहुत बड़ा दुष्प्रचार चल रहा है मित्रों, सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल के लिए। सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल जैसे सिर्फ नॉर्थ ईस्ट के लिए आ रहा है, सिर्फ नॉर्थ ईस्ट के लिए नहीं आ रहा है, देश भर में जितने भी शरणार्थी है, चाहे वो महाराष्ट्र में हो, गुजरात में हो, राजस्थान में हो, बिहार में हो, वो सबके लिए इस सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल लाने का काम
ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने कहा। और मैं कहना चाहता हूं, खुले मन से आजादी की जनता को कहना पहुंचाता हूं कि जिस प्रकार से डेमोग्राफिक चेंज आसाम के अंदर हो रहे हैं, अगर सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल नहीं लाएंगे तो आसाम की जनता खतरे में पड़ने वाली है, ये बात मेरी याद है। और आसाम की जनता भी इसको समझ रही है, मगर कुछ लोग इस सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल की सगड़ी पर अपनी रोटियां सेकना चाहते हैं। मुझे भरोसा है आसाम की जनता उनको विफल। आपको बता दें कि रविवार को असम पहुंचे अमित शाह ने नेशनल रजिस्टर सिटीजनशिप यानी एनआरसी का जिक्र करते हुए कहा था कि हम असम को कश्मीर नहीं बनने देना चाहते हैं, इसीलिए हमने यहां एनआरसी लागू किया। वो यहां पर काम नहीं करने देंगे। और ये
ये उनकी आवाज है। फिल्म इंडस्ट्री को हम चलाते हैं, फिल्म इंडस्ट्री को वर्कर्स चलाते हैं, फिल्म इंडस्ट्री को टेक्नीशियन चलाते हैं। इसीलिए इस पूरे अमर